बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ की मुनसिफ भी, किससे वकील कहें किससे मुनसिफी जाने। हम किससे कहें कि वो वकालत करे, किससे कहें कि हमारा वो जज बने। मुसलमान इस एक जहर है इस मुल्क के लिए। इस मुल्क की जो सरकार है उनका टारगेट सिर्फ मुसलमान है। हम जंजीरों में इस वक्त जकड़े हुए हैं सब। उमर खालिद को मैं जानती हूँ, उनके वालिद के साथ मैंने बहुत काम किया है, कासिम रसूल इलियास के साथ। उमर खालिद हो या शर्जील इमाम हो या गुलफिशा फातिमा हो या वो बेतहाशा लोग हों जिनको उर्दू में कहते हैं जिनको जदोकोट किया गया है, जिनको कुचला गया है, जिनको टॉर्चर किया गया है, जिनको लिंच किया गया है और जिनको मारा गया है। मैं अपनी दोस्त बेबाक बादशाह से कह रही हूँ कि जरा बात सुन ले। अब जहां तक पूरा हालात का जायजा आपको सबने दे दिया है, सबसे पहले सौरभ ने नहीं, उससे भी पहले नंदिनी ने जो बात की है उसको हम मद्देनजर रखें। नंदिनी ने हालात, जो हालत है लोगों की, जिनके खानदानों की वो हालत है, जिनकी माओं की, जिनकी बहनों की, जिनके बच्चों की वो हालत है, उसको मद्देनजर रखें। डोंट फॉरगेट द कंडीशंस ऑफ दीज पीपल। आई रियली वॉन्ट एवरी वर्ड दैट यू सेड वाज वेरी वेरी मूविंग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट। सौरभ ने सारी लीगैलिटी, उसकी सारी कहानी, उसका सारा प्रोसीजर आपके सामने रख दिया है। और गौतम ने उसकी सारी सियासत लीगैलिटी, he has also given that and placed that in front of you. फैज साहब का एक शेर है जो आपके सामने, फैज अहमद फैज का शेर है जो आपके सामने मैं पढ़ूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी। बने हैं अहले हवस, हवस मीन्स पीपल हु हैव अ हेट्रिड, पीपल हु आर लस्टी, लस्ट जो है। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी। वो मुद्दई भी हैं, वो लॉयर्स भी हैं और वो जजेस भी हैं। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ की मुनसिफ भी, किसे वकील कहें किससे मुनसिफी जाने। गौतम को आता होगा ये शेर, यानी हम किससे कहें कि वो वकालत करे, किससे कहें कि हमारा वो जज बने। बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील कहे किससे मुद्दई चाहे। मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से ये सरकार मुहिम बनाई है और उसमें टारगेटेड लोग हैं, चाहे वो अखलाक हो, कोई भी हो, शुरू से लेके काओ विजिलेंटिज्म जिसकी बारे में आपने और आपने कहा था, मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा, इट्स लाइक अ सुनामी अगेंस्ट द मुस्लिम एंड लेट्स फेस इट। मैंने एक 1969 का एक लेटर पढ़ा जो मेरे फादर ने लिखा था जबकि बादशाह खान यहाँ आए थे। एवरीवन नोज हु बादशाह खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, अगर नहीं मालूम तो प्लीज फाइंड आउट। उस वक्त बादशाह खान ने फ्रेंकली विदाउट एनी हेजिटेशन, बिल्कुल ही मुंहफट अंदाज से जो उनके दिल में था सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा, और उनकी बात हिंदू ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियंस ने, सब ने उनकी बात सुनी। दैट वाज 1969। और 1969 में एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जिसका नाम था जरका,
एक पाकिस्तानी फिल्म थी, उसका नाम था जक्का। उसमें हबीब जालिब की लाइन है और वो लाइन ये है, मैं लिख के लाई हूँ क्योंकि मुझे कभी याद नहीं रहती, वो आपके सामने पेश है। तू है ना वाकिफ है आदाब गुलामी से अभी, यू डोंट नो व्हाट आर द ट्रिब्यूलेशंस ऑफ बीइंग अ प्रिजनर। तू है ना वाकिफ है आदाब गुलामी से अभी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। You can dance even if you are in chains, you can dance. Bottom, raqs, raqs, zanjeer pehen kar bhi kiya jata hai, magar tu nawaqif hai ke ghulami ke jo, ghulami jo subjugation ke hai, what are the conditions of subjugation? To main ye sab log jo jisme aap aaye hain, very nice that you have come here, aap, you have gone through it, your friends are going through it, वो रक्स करेंगे, दे राइज अबव दिस, वो जंजीर पहन के भी डांस करेंगे, वंस दे अंडरस्टैंड कि दिस फ्रीडम इज वाई, बिकॉज आप लोग सब यहाँ हैं, आप लोग सब यहाँ हैं, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, आपने बहुत से लोगों को सुना है, और ये एक ऐसी मूवमेंट है, क्योंकि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, मुसलमान इस एक जहर है इस मुल्क के लिए, वो हम जहर हैं। और मैंने एक लंबा सा एक आर्टिकल पढ़ा है जो कि हमारे, जिसका टाइटल भी मैं लिख के लाई हूँ कहीं, मगर बहरहाल नदीम का लिखा हुआ एक आर्टिकल है, वायर में आया है, और उसमें यह है कि मुसलमानों पे जो अताब नाजिल हुआ है, इस मुल्क के जो सरकार है उनका टारगेट सिर्फ मुसलमान है। और ये नरेंद्र मोदी 10 साल तक हमारे सामने आए, जब हम प्लानिंग कमीशन में थे, 10 साल तक हमने उनसे सवाल किए, जेंटली सवाल किए, ज़्यादा उनको ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि 2002 में हम लोग चश्मदीद गवाह थे कि 2002 में क्या हुआ पूरे गुजरात में। वी वर आई विटनेसेस टू द कार्नेज ऑन 2002। तो आप लोग सब जो यहाँ बैठे हैं, आई थिंक दैट इसी से हमको हौसला मिलता है, मुसलमानों को इस मुल्क पे हौसला मिलता है कि आप लोग सब, और इस वक्त जो लोग जेल में लैंग्विश कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल रही, जो चार चार साल से तड़प रहे हैं, जिनकी खानदान के खानदान हैव बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उनको भी आपसे यही हौसला मिल रहा है कि आप लोग हैं हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त, हमारे मोहब्बत करने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा आपसे आपका वक्त भी नहीं लेना चाहती, बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप, हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, तो आप हमारा साथ दें, आप हमारा साथ दें, और हम भी याद करेंगे हबीब जालिब की लाइन के, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। हम जंजीरों में इस वक्त जकड़े हुए हैं सब, और मैंने कभी नहीं सोचा था, I am very elderly. I never thought कि मैं जंजीरों में जकड़ी जाऊंगी इस मुल्क को, जिसमें बादशाह खान जैसा आदमी आया और उन्होंने हिंदू मुसलमानों, जाकिर हुसैन के घर में रहे और हिंदू मुसलमानों सबके सामने उन्होंने पूरे कौम को लताड़ा, एंड एवरीवन लिसन साइलेंटली। आई नेवर थॉट, मगर आपका साथ है तो हम जिंदा हैं, आपका साथ नहीं है तो इट विल बी अ वेरी टफ 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 सर्वाइवल फॉर अस। इस वक्त उमर खालिद, गुलफिशा फातमा, जितने इस वक्त हमारे, जितने लोगों का नाम नंदिनी ने लिया, उनके सब के हमारे दिल जो हैं उनके लिए हमारे, वी आर हार्ट्स आर विद अस, आर सोल आर हार्ट्स आर विद देम, आर सोल्स आर विद देम, आर थॉट्स आर विद देम, एंड आर एक्शंस आर विद देम। तो बस आप लोग हमारा साथ दें तो हम जिंदा हैं और हम आपके साथ हैं, एंड दैट्स ऑल आई वांट टू से। बहुत बहुत शुक्रिया।